की तुलना में पहले की सल्तनत कितनी बड़ी थी, आइए हम देखते हैं। आज मोरक्को का एरिया 7,10,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 10,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज उज़्बेकिस्तान का एरिया 4,48,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 44,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज इंग्लैंड का एरिया 1,30,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 3,55,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज फ्रांस का एरिया 5,51,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 1,15,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज स्पेन का एरिया 5,05,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 1,30,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज सऊदी अरेबिया का एरिया 21,49,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 1,10,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज मैक्सडोनिया का एरिया 25,713 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज ईरान का एरिया 16,04,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 55,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज नीदरलैंड का एरिया 41,850 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 21,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आज अफगानिस्तान का एरिया 6,52,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, वहीं कुछ साल पहले इसका एरिया 34,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। गाइस, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।